तो हाय गाइस, हम छत पर है अभी। और अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, जब सूर्य की उपस्थिति रहती है तब क्या होता है कि जो हमारी सोलर प्लेट है जो सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, लेकिन अगर हम रात में यदि वैसा ही उजाला किसी मोमबत्ती द्वारा करें तो वह कितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। हमने यहाँ पर बहुत सारी मोमबत्तियाँ ले रखी है और साथ में माचिस है, जिसे जलाकर हम ये टेस्ट करेंगे जो सोलर पैनल है वो कितनी ऊर्जा लेता है और लेने के बाद कितनी ऊर्जा निकालता है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा सोलर पैनल है, जब इसके ऊपर सूर्य किरणें ज़्यादा से ज़्यादा गिरती है तब मैक्सिमम ये 21 वोल्टेज आउटपुट में देता है, 2 एम्पियर मैक्सिमम देता है। आपको पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था, लेकिन आज हम देखने वाले हैं रात में। तो इसका हम टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी मोटर है, आप इसे देख सकते हो, जब ये घूमेगी इससे पता चल जाएगा हमें। और साथ में यहाँ पर है हमारे पास एक LED लाइट, ये 12 वोल्ट की है, दोनों ही 12 वोल्ट के हैं, इनको हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले इन मोमबत्तियों को जलाता हूँ। तो गाइस, ऊपर क्या है, हवा चल रही थी और जो हमारी बत्तियाँ है जल्दी जल्दी बंद हो रही थी, ऊपर से नीचे आए और इन्हें वापस जलाए। तो आप देख सकते हो जो हमारा सोलर पैनल है इस पर ये जो हमारी मोमबत्तियों की ऊर्जा है इस पर जाएगी, प्रकाश से ऊर्जा है इसको ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और हमारे जो दो तार है यहाँ से ऊर्जा निकल जाएगी। LED लाइट है, उसको जलाते हैं और चेक करते हैं। अब हम करते हैं अपनी मोटर को टेस्ट। इस प्रकार से भी हमारी जो मोटर है वो नहीं चल पा रही। तो गाइस, आप समझ ही चुके होंगे कि जो इतनी सी मोमबत्तियां हैं इनको मिलाकर भी जो हमारा सोलर पैनल है अपनी इन मोटरों को, इन LED लाइटों को अच्छे से नहीं जला पाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में ऐसी जानकारी वाली वीडियो की लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।